मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर में टोइंग करके गाड़ियों पर जो कार्रवाई की जा रही है, दरअसल इसके खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि एक साइड में गाड़ियां खड़ी की जा रही है और दूसरे साइड में मार्केट लगी हुई है और कहीं भी पार्किंग जोन नहीं है। इस वजह से लोग कार्रवाई पर जो है एतराज़ जता रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मुंब्रा ट्रैफिक विभाग के जो सीनियर इंस्पेक्टर है सुरेश खेड़कर साहब, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से टोइंग करके गाड़ियों पर कार्रवाई की जा रही है, लोग इस कार्रवाई के खिलाफ एतराज़ जता रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक पार्किंग की कोई व्यवस्था है नहीं, तो आखिर टोइंग करके क्यों कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल ये सही है कि पार्किंग जोन नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को बोला है मैंने, अवेयरनेस लोगों को अनाउंस भी किया है ये क्रेन के माध्यम से कि सिंगल पार्किंग करिए, डबल पार्किंग अलाउड नहीं है। चौक में जो कॉर्नर पार्किंग रहती है वो भी अलाउड नहीं है, और फुटपाथ के ऊपर जो पार्किंग करते हैं वो भी अलाउड नहीं है। हम ये सब इलीगली है, जो इलीगली गाड़ी लगाते हैं उनको, इलीगली जो गाड़ी लगाते हैं उनका ही गाड़ी उठाते हैं और अनाउंस करके उठाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अनाउंस करते नहीं, ये गलत है। अनाउंस करके ही गाड़ी उठाते हैं। और जहाँ अभी देखो, अमृत नगर से किस्मत कॉलोनी तक जो गुलाब पार मार्केट है, वो आधा रोड पूरा, आधा से ज़्यादा रोड वो गुलाब मार्केट ने कब्जा किया, मतलब मार्केट है। तो ये मार्केट के आगे अगर एक भी गाड़ी लग जाएगी तो गाड़ी ट्रैफिक जाम होती है। तो हमने रिक्वेस्ट किया है, विनती है लोगों को, मोरावासियों को, कि ये अमृत नगर से किस्मत कॉलोनी तक सिंगल गाड़ी भी मत लगाओ, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक जाम होती है। अगर सिंगल मोटरसाइकिल या कार या बाकी गाड़ी लगाएंगे तो ट्रैफिक जाम होने से तकलीफ होती है, इसलिए हम उठाते गाड़ी या जामर लगाते। बाकी जगह सिंगल पार्किंग, हर जगह सिंगल पार्किंग करने के लिए हमने परमिशन दी है। जी साहब, लोगों का ऐसा कहना है कि आधे रोड पे मार्केट लगी हुई है, अगर इस मार्केट को मनपा कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करती है, रोड खाली करवाती है, तो आपको टोइंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कहीं भी जो है आपको ट्रैफिक जाम की स्थिति कहीं भी आपको मिलेगी ही नहीं। बिल्कुल, अमृत नगर से कौसा कब्रस्तान तक मार्केट है, और जो मार्केट के आगे वापस हॉकर्स लगाते हैं, हॉकर्स वाले हॉकर्स लगाते हैं, उसके आगे मोटरसाइकिल या कार लगाते हैं या बाकी गाड़ी लगाते, टेम्पो लगाते, तो जाने आने के लिए रोड कहाँ रहा? तो इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई करना जरूरी है। हॉकर्स के ऊपर कार्रवाई करना टीएमसी का काम है। मार्केट दूसरी जगह हिलाना आ रहे हम, मार्केट दूसरी जगह हिलाना ये कॉरपोरेशन का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हम लेटर भेजा है उनको किस वजह से ट्रैफिक यहाँ जाम होता है, तो टीएमसी को लिखा है। आप टीएमसी को पूछे कि ये मार्केट का और हॉकर्स का, तो कार्रवाई करना, हॉकर्स के ऊपर कार्रवाई करना है टीएमसी का काम होता है। एक आखिरी सवाल, कुछ पॉइंट्स आप लोगों के तरफ से एक डिसाइड किया गया 54 जगह पर, वो कहाँ कहाँ पर है अभी तक तैयार हुआ? 54 जगह पर जो पॉइंट्स डिसाइड किया गया पार्किंग का, यहाँ नो पार्किंग है, यहाँ पर जो पार्किंग, हमने सर्वे किया, ये इतना बड़ा एक वाक्य में नहीं बता सकता, लेकिन जहाँ रोड बड़ा है वहाँ पार्किंग देंगे ऐसा लेटर, और जहाँ रोड छोटा है वहाँ पार्किंग करना गलत होगा। तो हमने टीएमसी को लिखा है और सर्वे भी किया, एसीपी मैडम, गावित मैडम और हमने दोनों ने मिला के, और टीएमसी के भी लोग आए थे उस टाइम, सर्वे किया है कहाँ पब्लिक और व्हीकल क्रॉस रखना और कहाँ नहीं रखना और कहाँ पार्किंग देना, इसके बारे में सर्वे हुआ है। और हमने ये टीएमसी के जो अधिकारी है उनको लेटर लिखा है इसके बारे में। अच्छा, वसीम सैयद ने 2015 का लेटर दिखाया कि P1 P2 जो उस समय पे लागू किया गया था, और लेटर दिया था P1 P2 का लेटर, उस टाइम के जो अधिकारी थे इंचार्ज, वो क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है? वो अभी टीएमसी को पूछिए आप कहाँ कभी करेंगे, कैसा करेंगे। और ये भी नहीं है, हमने शिमला पार्क, अमृत नगर, कौसा कब्रस्तान या जहाँ जहाँ चौक बड़े हैं वहाँ सिग्नल के लिए भी लिखा है और उसका सर्वे भी हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि आप टीम से पूछ सकते हैं, आप क्या बताएंगे असल में वजह है ट्रैफिक ट्रैफिक वजह कार्रवाई होनी
कार्रवाई होना चाहिए, पहले भी बोला अभी भी बोल रहा हूँ। खेड़ेकर साहब से अभी हम लोग आधा घंटा बैठ के 20 मिनट मीटिंग हुई और खेड़ेकर साहब को इसलिए लाया गया कि पब्लिक और ट्रैफिक के बीच में एक दरार चालू है, तो गलतियां दोनों तरफ से हो सकती है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट एकदम नील है और एकदम कोरा है या पब्लिक की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं मिस अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जिसको लेकर खेड़ेकर साहब को मैंने बोला आज अपन दौरा करते। मेन प्रॉब्लम है जो न्यू मुमरा इंग्लिश स्कूल से लेके नईम खान साहब का बंगला है वहाँ ट्रांसफार्मर तक, लेफ्ट साइड या राइट साइड बिल्कुल टू व्हीलर या फोर व्हीलर पार्किंग, साहब ने बोले मैं पार्किंग करने नहीं दूंगा, बहुत शॉर्ट रोड है, उसके आगे कुछ पार्किंग की जगह साहब, जैसा मैं 8 दिन पहले नूरानी से गाड़ी पार्किंग उठाई गई मेरे सामने, मैंने उस अधिकारी को भी बोला टोविन के और साहब को भी फ़ोन किया, बोला साहब अगर डिवाइडर को लग के सिंगल लाइन है आप उसको मत उठाओ, और साहब ने बोला ठीक है वो किया जाएगा, उसको डिक्लेरेशन करने के लिए बुलाया, जैसे दोस्त अपार्टमेंट DCB बैंक, आदमी बैंक में जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है या मेडिकल में जा रहा है, तो उनका कहना ऐसा हम जब तक पार्किंग नहीं मिलती हम गाड़ी का लगाएंगे, उनका कहना जायज़ है। और मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई कम से कम सिंगल लाइन कहीं पे भी हो, चाहे वो किसी होटल के पास हो, चाहे किसी लाइन तो लग रही है, कार्रवाई नहीं कर रहे, सिंगल लाइन लगा रहे नहीं, हुई कार्रवाई इसी पे तो कंप्लेंट हुई है ना, हुई है सिंगल लाइन है नहीं, हम लोग फोटो शो करते ना डबल पार्किंग का, गाड़ी वाला जब आता है गाड़ी लेने के लिए तो उनको फोटो पहले दिखाया जाता है, उसके बाद में फाइन किया जाता है उनकी गाड़ी को। कार्रवाई तो हो रही, सिंगल हो या फिर डबल हो। सीनियर साहब एक और देखिए, यहाँ पर जो जो कचरा उठाती थी गाड़ियाँ पड़ी हुई दिखा उधर, ग्रीन कलर की जो गाड़ियाँ है, क्लीन मुमरा ग्रीन मुमरा, ये भंगार रोड पर पड़ा हुआ, इसकी भी काफ़ी शिकायतें आ रही है कि ये पड़ा हुआ इसको कौन हटाएगा यहाँ से। ये TMC का काम है, ये भंगार हटाना या भंगार गाड़ी हटाना, हमारे पास ये नहीं है, जगह भी नहीं है और एक तो यंत्रणा भी नहीं है, जो भंगार गाड़ी है भंगार हटाने का काम TMC का रहता है, कचरा हटाने का। लेकिन वो तो गाड़ी है, गाड़ी भी हटाना, हमारे पास गाड़ी लिफ्ट करना ये सब TMC का काम है, हम नोटिस लगाते हैं, नोटिस लगा चुके हैं हम, जितनी बंगर है हाँ लेटेस्ट जो बंगर गाड़ी है पुरानी गाड़ी है उनके ऊपर नोटिस लगाया है हमने, जो ज़्यादा तीन चार महीना गाड़ी लगती है उसको नोटिस लगाया है हमने, बहुत गाड़ी को नोटिस लगाया और किस गाड़ी को नोटिस लगाया वो भी भेज दिया है हमने TMC को। तो आपने सुना कि किस तरह से जो है यहाँ पर ट्रैफिक विभाग के जो सीनियर इंस्पेक्टर है वो पहुँचे थे, क्योंकि ट्रैफिक का इशू मुमरा शहर में काफ़ी ज़्यादा है और उसकी वजह जो है वो रोड पर मार्केट बताई जा रही है, एक तरफ जो पार्किंग लगाई पार्क की जाती है गाड़ियाँ डबल लाइन से तो उस पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन सीनियर का कहना है कि अगर सिंगल लाइन पार्किंग है तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।